हेलो दोस्तों, लर्न न्यूमरोलॉजी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश किवोरा। हम बीडी सीरीज पे चल रहे हैं, यानी कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। बर्थ नंबर मैंने आपको बताया बहुत बार, पिछले सारे एपिसोड में थोड़ा थोड़ा हिंट देता आया हूं कि जो व्यक्ति सपोज करो कि 13 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका 1 और 3 4 नंबर हो जाता है। इसे मूलांक भी कहते हैं, पर्सनैलिटी नंबर भी कहते हैं। लेकिन जब बर्थ नंबर को मंथ में भी जोड़ते हैं और ईयर में भी जोड़ देते हैं तो सिंगल डिजिट कन्वर्ट करो तो वो आता है डेस्टिनी नंबर। तो हम इस सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी 4 और 1 कर चुके हैं, अब हम करेंगे 4 नंबर 2 नंबर, यानी कि बीडी नंबर 4 2। यहाँ पे वो सब व्यक्ति जो किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को पैदा हुए हैं और उसके बाद जिनका डेस्टिनी नंबर आता है, तो ये बहुत कंट्रास्ट वाले नंबर हैं। ये 4 नंबर है राहु का और 2 नंबर है चंद्रमा का। यहाँ पे एक बात खास बात है कि ये दोनों एक साथ में बनाते हैं ग्रहण दोष एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि चंद्रमा को लग जाता है ग्रहण। 4 नंबर राहु जो होता है टेक्नोलॉजी का किंग है, आपको नई नई इनोवेशंस और इन्वेंशन देता है। 4 नंबर आपको प्रोफेसरशिप भी देता है। 4 नंबर आपको एजुकेशन, मटीरियल, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ों में तरक्की करवाता है। ये आपको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आगे लेके जाता है, राइटर है, फिल्मों के अंदर कामयाब कराता है, गायन के अंदर यानी कि सिंगिंग के अंदर, म्यूजिक के अंदर कामयाब कराता है। ये बड़ा एक मल्टीफेस्टेड, एक क्या कहते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें देता है, क्योंकि जो राहु है थोड़ा डिसेप्टिव है, मैनिपुलेटिव है, गलत तरीके से भी काम करवाता है, जिसकी वजह से कई वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, लिटिगेशंस बहुत हो जाते हैं और आप कई बार अपने लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हो जहां पे लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको समझते हैं कि आप धोखेबाज हैं। और इसके साथ 2 नंबर जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा जो होता है वो सीधा साधा है, कोमल है, स्त्री मन का प्रतीक है, पिंक कलर उसको अच्छा लगता है। और चंद्रमा बेसिकली रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, लिक्विड से ताल्लुक रखता है, डेयरी इंडस्ट्री है, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयां हैं उसके साथ ताल्लुक रखता है, और इसके साथ में श्रृंगार है उसके साथ भी उसका ताल्लुक होता है। तो कहीं ना कहीं ये 2 जो कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, लेकिन मुसीबत ये कि बहुत रेस्टलेसनेस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। अगर आपका नाम और बिजनेस का नाम सही नंबर पर नहीं आ रहा तो समझिए आपके लिए मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि यहाँ पे अगर ज़िंदगी में कभी कभी इस नंबर के साथ लोग बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ हासिल करते हैं तो उसके बाद वो सब कुछ गवा भी देते हैं। तो ज़रूरी होगा कि आप अपने नाम को या बिजनेस के नाम को सही नंबर पे लेके आए ताकि वो डायनेमिक हो जाए, वाइब्रेंट हो जाए और आप ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप कामयाब हो जाए। येलो, ग्रीन, ब्लू कलर आपके फेवरेट हैं, इसके अलावा लाइट क्रीम कलर भी आप पहन सकते हैं। चंद्रमा के जो भी रंग होते हैं, एकदम लाइट पर्पल होता है, मोव कलर होता है, वो भी आप पहन सकते हैं यहाँ पे। और जो लकी नंबर से मैंने साइड में दिए हैं आप ज़रूर उनको देख लीजिएगा और अपने नाम को या बिजनेस के नाम को उस नंबर पे लाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी सही रास्ते पे स्टेबल होकर चले, क्योंकि ये नंबर है अनस्टेबल नंबर, ये आपको अप्स एंड डाउन्स देते हैं। अगर आप अप्स एंड डाउन्स से बचना चाहते हैं तो ये चेंजेस करिएगा। खुद नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल कंसल्टेशन हमसे कर सकते हैं, नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लर्न न्यूमरोलॉजी के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे लिंक ज़रूर भेजते रहिएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।